हमने अभी सिंगल uh, प्रोडक्ट का ब्रेक इवन एनालिसिस का डिटरमिन करने का किया है कि वो क्या सिंगल प्रोडक्ट uh, का किस तरह करते हैं बट अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो यूजुअली दे हैव मोर देन वन प्रोडक्ट तो उसकी वजह से वो सिंगल प्रोडक्ट के बेस के ऊपर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते वैरायटी uh, बहुत होती है तो उस बेसिस के ऊपर हर प्रोडक्ट जो है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा हो तो हमने देखा था कि हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल uh, होती है तो वो पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट बट इन दिस केस जहाँ मल्टा प्रोडक्ट हैं जहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो उस केस के अंदर जो रेवेन्यू की जनरेशन है उसके अंदर कई प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन है इसी तरह कॉस्ट के अंदर भी कई प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट रेवन्यू uh, है डिफरेंट कॉस्ट है तो इसलिए हर प्रोडक्ट की तो उसकी वजह से आपका उसको एक प्रोडक्ट के तौर पर हैंडल करना इज नॉट पॉसिबल तो उस बेसिस के ऊपर वॉट वी डू इज कि ब्रेक इवन हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट बेसिकली बाई गिविंग वेट्स टू ईच प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन द टोटल रेवेन्यू ठीक है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल दे आर सिक्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी ए बी सी डी ई एफ छ हैं इसमें ए जो है प्रोडक्ट ए उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टू टोटल सेल्स लेट्स टोटल सेल्स इज हंड्रेड थाउजेंड और टोटल रेवेन्यू इज हंड्रेड थाउजेंड उसमें से प्रोडक्ट ए की जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्वेंटी थाउजेंड है तो इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट ए के कंट्रीब्यूशन होगी परसेंटेज होगी वो पॉइंट टू होगी तो उसका वेट पॉइंट टू हम उसको असाइन करेंगे इसी तरह बी का होगा सी डी ई e, एफ और सारे छः के छः प्रोडक्ट्स का हम करेंगे और उस बेसिस के ऊपर फिर हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं लेट्स सपोज ये हमारे फिक्स कॉस्ट हैं वेरिएबल कॉस्ट वी है पी इज प्राइस पर यूनिट आफ्टर ऑल डिस्काउंट डब्ल्यू इज परसेंट ईच प्रोडक्ट इज ऑफ टोटल सेल ठीक है जैसे मैंने एग्जाम्पल दी ट्वेंटी परसेंट इज पॉइंट टू ए की थी आई इन दिस केस इज यूज एज सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट के तौर पर होती है और ये आइडेंटिफाई करता है ईच प्रोडक्ट यानी कि हम डब्ल्यू आई लिखेंगे तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आई का वेट जो है वो क्या है ठीक है इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच को हम एक्सपेंड करने के बजाय हम उसको मैथमेटिकली इस तरह शो करते हैं इसके अंदर एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के हमने ब्रेक इवन करना है तो वो हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होगा वो यूनिट्स के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि हर यूनिट का हर प्रोडक्ट का कॉस्ट डिफरेंट होगी वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस भी डिफरेंट होगी यूजली केस होगा तो इसलिए हम मॉनेटरी टर्म के अंदर इसको evaluate करेंगे F is the fixed cost, जैसे हमने single उसके अंदर 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 किया था था के के अगर हम ब्रेक इवन निकालें फॉर सिंगल प्रोडक्ट क्योंकि इधर वो नहीं है तो इधर हम sum करते हैं दिस इज समेसन साइन इट शोज कि यह हम सम कर रहे हैं वन माइनस वी आई ओवर पी आई वी आई और पी आई वेरिएबल कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ आई प्रोडक्ट आई मे बी ए बी सी डी तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वो फिर आगे उसको उ, उस हिसाब से लिखेंगे एंड डब्ल्यू आई इज इट्स वेट तो ये हम करें कंबाइन तो ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो मोनिट्री टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके अंदर जो ये वैल्यूज़ आएंगी फॉर एग्जांपल सिक्स उसकी एग्जांपल थी तो उसके अंदर हर प्रोडक्ट की हमने ये कैलकुलेट करनी है वन माइनस वी ओवर पी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ये हर प्रोडक्ट की होगी और उन सब की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपस में सम कर लेंगे तो आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी जिसके बेस के ऊपर आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा